दिखाते हैं कि दिल्ली एनसीआर की हवा कैसे गैस चैम्बर बन रही है। हम सभी लोग जानते और मानते हैं कि घर एक ऐसी जगह है जहां पर हम एक शुद्ध माहौल में रहते हैं, सुकून की सांस लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर के अंदर की हवा बाहर से ज्यादा प्रदूषित है। पहले हम आपको दिल्ली एनसीआर में आज के प्रदूषण का हाल बताते हैं, फिर गैस चैम्बर बन रहे घर की वजह और उससे बचने के उपाय भी बताएंगे। कब तक हाफेगी दिल्ली, कब तक प्रदूषण से कांपेगा एनसीआर, आखिर ये जहरीली हवा कब साफ होगी। शनिवार को दिल्ली में हवा थोड़ी तेज चली तो फिजा भी थोड़ी साफ हुई, लेकिन प्रदूषण मीटर में हवा की गुणवत्ता के आंकड़े निहारें तो ये राहत ऊंट के मुंह में जीरे जैसी है। शनिवार शाम 7 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 रहा, यानी बहुत खराब। दिल्ली के पूसा रोड में 321, लोधी रोड में 300, एयरपोर्ट के आसपास 309, दिल्ली विश्वविद्यालय इलाके में 288 और मथुरा रोड में एयर क्वालिटी इंडेक्स 315 दर्ज किया गया। शाम 7 बजे दिल्ली के पास नोएडा का AQI 242 यानी खराब श्रेणी का और गुड़गांव में 332 यानी बहुत खराब दर्जे का। शायद कम ही लोग जानते हैं कि घर के अंदर बाहर से करीब 5 से 10 गुना ज्यादा प्रदूषण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक घरों के अंदर होने वाला प्रदूषण वैश्विक प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है। दुनिया भर में घरों में होने वाले प्रदूषण से हर साल 43 लाख लोगों की मौत होती है। WHO की रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत में सर्वाधिक मौतों के लिए सड़क हादसे के बाद घरेलू वायु प्रदूषण दूसरा सबसे बड़ा कारण है। पहले हम आपको ये बताते हैं कि घर के अंदर प्रदूषण कैसे पैदा होता है और कैसे फैलता है। मैं इस वक्त किचन में हूँ। किचन में बहुत सारे अप्लायंसेस का, बहुत सारी चीजों का आप इस्तेमाल करते हैं बिना ये सोचे कि ये प्रदूषण को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि माइक्रोवेव है, आपको लगता है कि फटाफट से खाना गर्म कर लिया जाए और आप माइक्रोवेव को ऑन करते हैं और आपको लगता है कि आपका खाना गर्म हो जाएगा, लेकिन माइक्रोवेव से जो हीट निकलती है, जो रेज निकलती है, वो पॉल्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ाती है। इसके साथ ही अगर आप सोचें कि रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल रेगुलर आप करें, रेफ्रिजरेटर में बहुत सारा आपका सामान रखा होता है, बहुत इस्तेमाल में ही आता है, लेकिन इसमें से जो हीट निकलती है वो घर के अंदर को पोल्यूशन बहुत ज्यादा उसका बढ़ाती है। फिर आप सोचते हैं कि आप घर के फ्लोर को बहुत चमचमा के रखेंगे, इसके लिए आप बहुत सारे फ्लोर क्लीनर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन फ्लोर क्लीनर्स में जिन केमिकल का इस्तेमाल होता है वो आपके घर के पोल्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। आप सोचते हैं घर के टॉयलेट को आप बहुत साफ सुथरा रख लेकिन टॉयलेट क्लीनर्स जिनका आप इस्तेमाल करते हैं टॉयलेट को साफ सुथरा रखने के लिए, वो आपके घर के पोल्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। जो घर की दीवारें होती हैं, आप सोचते हैं चमचमाते अलग अलग रंग बिरंगे रंगों से इन दीवारों को रंगा जाए, लेकिन जो कलरफुल पेंट्स होते हैं उनमें जिन केमिकल का इस्तेमाल होता है वो पोल्यूशन को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। यानी कि ये चीजें, और इसके साथ ही एक और चीज, अगर आपके घर में कोई स्मोक करता है, धूम्रपान करता है, तो उसका धुआं घर से बाहर से कहीं नहीं जाता है। किचन में छौंक लगता है जब उसका धुआं, आप सोचते हैं एग्जॉस्ट ऑन कर दिया धुआं बाहर निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। पोल्यूटेंट्स जो कण है वो घर के अंदर रह जाते हैं, यानी कि घर के अंदर 10 गुना बाहर से ज्यादा पोल्यूशन है। इसके अलावा अगर बत्ती का धुआं, डिटर्जेंट का केमिकल, सिगरेट से निकलने वाला धुआं, धूल, वायरस और बैक्टीरिया, ये सब के सब हमारे घर के दुश्मन हैं, यानी इनसे फैला प्रदूषण सोते जागते हमें बीमार करता है। अब बात एयर प्यूरिफायर की। खासकर दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में बढ़ते प्रदूषण के साथ इलेक्ट्रॉनिक एयर प्यूरिफायर का बाजार बहुत बढ़ता जा रहा है। जो कंपनियां एयर प्यूरिफायर बनाती हैं, उनकी कमाई कई गुना बढ़ती जा रही है। शिकायत उनकी क्वालिटी की भी होती है, लेकिन हम आपको नेचुरल एयर प्यूरिफायर यानी उन पौधों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप घर के अंदर रखकर स्वच्छ सांस ले सकते हैं।
मैं इस वक्त एक नर्सरी में हूँ जहाँ पर मैंने बातचीत की कुछ पौधों के लिए जो घर में एयर प्यूरिफायर की तरह काम करते हैं, यानी कि अगर आप उनको अपने घर में लगाते हैं तो आपको शुद्ध ताजी हवा, ताजी सांस मिल सकती है। नर्सरी के ओनर हमारे साथ है। सर, आपका नाम? पुष्पेंद्र यादव। पुष्पेंद्र जी, ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो घर में अगर हम रखें तो हम ताजी हवा उनसे ले सकते हैं, शुद्ध हवा हमें मिलती है? एरिका पाम होता है, एक स्पैटर होता है, एक सनी प्लांट होता है, एक मनी प्लांट होता है। ये जो इस वक्त यहाँ पर प्लांट्स रखे हुए हैं, आप मुझे बताइए ये कौन कौन सा? ये स्पैटर है और उसके बाद स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट है, एरिका पाम और स्नेक प्लांट। एरिका पाम उसके आगे रखा, वो एरिका पाम हो गया। मनी प्लांट और मनी प्लांट, मनी प्लांट यानी कि ये कुछ और। तो ये हवा को साफ करते हैं। ये जितने भी प्लांट्स हैं इनसे हवा शुद्ध होती है? शुद्ध हवा होती है, साफ होती है हवा। अच्छा, और बहुत महंगे भी हैं क्या ये प्लांट? महंगे नहीं, वो 100 का है, 150 का है। 100 और 150 रुपए में, यानी कि 100 और 150 रुपए खर्च करके हम ताजी हवा घर ले जा सकते हैं। तो अब तो पोल्यूशन चूंकि बहुत ज्यादा बढ़ गया पुष्पेंद्र जी, तो ये जो पौधे हैं इनकी बिक्री भी बहुत बढ़ गई है। हाँ, पौधे दवा के बिक रहे हैं, लोग ज्यादातर खरीदते हैं ये वाले पौधे। तो आप सुन रहे हैं पुष्पेंद्र जी को, वो ये बता रहे हैं कि लोग इस तरह के पौधे आजकल ज्यादा खरीद रहे हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, 100-150 रुपए मात्र खर्च करके आप अपने घर में अगर इन पौधों को लेकर जाते हैं तो ये एक तोड़ है। हम ये भले ही कह रहे हो कि घर के अंदर पोल्यूशन बाहर से 10 गुना ज्यादा है, तो क्यों ना कुछ पैसे खर्च करके अपने घर के अंदर प्रकृति के जरिए शुद्ध हवा हम ले सके, यानी कि इन पौधों को हम अपने घर पे लगा सके। कैमरामैन प्रमोद दास के साथ पूर्णिमा मिश्रा, दिल्ली। तो पूर्णिमा, नर्सरी से आप कुछ पौधे भी लेकर आई या फिर सिर्फ सलाह लोगों को आपने दी है? नहीं नहीं, सलाह के साथ साथ मैंने इसे लागू भी किया। राकेश, रवि, मैं अपने घर पे एयर प्यूरिफायर वाले जो पौधे हमने दिखाए वो मैं लेके गई, और अच्छी बात यह है क्योंकि मैंने अपने घर की तस्वीर दिखाई थी, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो अब मुझे उम्मीद है कि उन पौधों के साथ मेरे घर की हवा जो है वो थोड़ी और ताजी और थोड़ी शुद्ध हो जाएगी।